सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्नर थ्योरी इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्नर इन 1893. नाइन्टी थ्री बट ये जो डिस्कवरी है ये हुई थी बिफोर इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंसी की हम बात करते हैं वो 1896 में डिस्कवर हुआ था ठीक है लेकिन वर्नर थ्योरी उससे पहले ही आ गई थी ठीक है तो ये जो डिस्कवरी है अबाउट दी बॉन्डिंग इन कॉर्डिनेशन कंपाउंडस ये फार्मो बिफोर हो गया था देन इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी ठीक है तो चलो अब हम वर्नर थ्योरी को समझते हैं बच्चों वर्नर थ्योरी को समझने से पहले एक बात और नोट डाउन कर दीजिए वर्नर वाज दी फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दी स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ठीक है सबसे पहले अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर किसी ने एक्सप्लेन किया था तो वर्नर ने किया था इसलिए वर्नर को फादर ऑफ कोआर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है ठीक है तो चलो अब हम वर्नर थ्योरी पढ़ते हैं तो बच्चों अकॉर्डिंग टू वर्नर अगर हम वर्नर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिम वैलेंसीज आर ऑफ टू टाइप वैलेंसीज आर ऑफ टू टाइप अब बच्चों चो यहाँ पर वैलेंसी का मतलब है बॉन्ड्स ठीक है वैलेंसी वैलेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो वैलेंसी की कितने टाइप्स हैं टू टाइप्स हैं ठीक है ठीके? तो जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी फर्स्ट टाइप जो है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी वैलेंसी इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें टू टाइप के बॉन्ड्स होते हैं प्राइमरी बॉन्ड्स या सेकेंडरी बॉन्ड्स या हमको ये भी बोल सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी या फिर सेकेंडरी वैलेंसी तो चलो बच्चों अब पहले हम प्राइमरी वैलेंसी को समझते हैं उसके बाद में हम सेकेंडरी वैलेंसी को समझेंगे देखो बच्चों अगर हम बात करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स की तो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ आपके लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास में है मेटल इस मेटल से क्या होता है सपोज चार लीगें जुड़े हुए हैं मान लीजिए कि इस मेटल से सपोज चार अमोनिया जुड़े हुए हैं एन ठीक है तो ये जो लीगेंस हैं ये डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस मेटल को डेटिव बॉन्ड के थ्रू ठीक है लेकिन कुछ आयंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम काउंटर आयंस बोलते हैं वो इस तरीके से अटैच्ड होते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे सी एल सी एल और सी एल है तो दीप बच्चों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो टाइप के बॉन्ड है एक जो डायरेक्टली मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं वो और एक जो सिंपल अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू अट्रैक्टेड है ठीक है तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी प्राइमरी वैलेंसी तो हम बच्चों इसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है और जब हम बात कर रहे हैं अबाउट दी सेकेंडरी वैलेंसी तो हम जो डायरेक्टली बॉन्डेड है जो जोमेट्री डिसाइड करते हैं जो डायरेक्टली बॉन्डेड है उनके बारे में बात करते हैं ठीक है तो चलो पहले हम प्राइमरी वैलेंसी समझ लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है क्या होता है वो आयनाइजेबल वैलेंसी अब कैसे होता है क्यों होता है अभी हम थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ पॉइंट्स देख लेते हैं इसका मतलब ये जो वैलेंसीज है ये कैसी है आयनाइजेबल जो मैंने ब्लैक पेन से राउंड किया है ठीक है उसके बाद में देखिए ये जो वैलेंसीज होती है प्राइमरी वैलेंसी ये रिप्रेजेंट करती है ये रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट ये जो वैलेंसीज होती है नॉन डायरेक्शनल्स होती है नॉन डायरेक्शन इनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो वैलेंसीज़ होती है ये सेटिस्फाइड होती है बाय नेगेटिव चार्ज आयन जनरली जो प्राइमरी वैलेंसीज़ होती है वो नेगेटिव चार्ज आयन से सेटिस्फाई होती है तो दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि दीज आर नॉट एसोसिएट विद द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है ये शेप नहीं बताते हैं ये रैंडमली कहीं पे भी अरेंज है तो दे डोंट डिसाइड शेप ठीक है ऑफ मॉलिक्यूल तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिसाइड नहीं करते हैं और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ लिख रही हूँ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस इनको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो ये है प्राइमरी वैलेंसी अब हम बात करते हैं इनकी हर एक पॉइंट के बारे में देखो बच्चों जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को इन जनरल फॉर्मूले में बताती हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास में मेटल ये हो गए हैं मेरे पास में लीगेन फोर नंबर के थे ठीक है और ये बाहर हमारे पास में आ गए सपोज थ्री है तो थ्री काउंटर आयन तो बच्चों ये जो बाहर काउंटर्स आयन से इनको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में समझाया था कि ये कॉम्प्लेक्स कभी भी आयनाइज नहीं होता आप इसको वाटर में ऐड भी करेंगे तो ये आयनाइज नहीं होगा ठीक है बाहर वाला जो पोर्शन है वो आयनाइज हो सकता है टूट सकता है निकल सकता है ठीक है बट ये हंड्रेड परसेंट आयनाइज नहीं होगा ठीक है तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं बाहर वाला पोर्शन को हम प्राइमरी वैलेंसी बोल रहे हैं इसका मतलब ये क्या है ये आयनाइज हो सकते हैं ठीक है थीके? ये काउंट हमारे कॉर्डिनेशन स्पेर के बाहर हैं बाहर है मतलब ये आयनाइज हो सकते हैं ठीक है उसके बाद में ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो बच्चों इनकी हेल्प से हम ऑक्सीजन स्टेट भी निकालते हैं इसलिए इसको बोलते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बाद में ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं तो बच्चों जब आप डायग्राम देखेंगे तो रैंडमली मैंने कहीं पे भी सी एल अटैच कर दिए हैं प्लस कहीं पे भी ये शो नहीं हो रहा है कि सी एल इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है या मेटल इलेक्ट्रॉन सी एल को दे रहा है या आपस में ये शेयर कर रहे हैं कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं हो रहा है तो ये क्या होता है नॉन डायरेक्शनल मतलब कोई भी परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयन तो जो प्राइमरी वैलेंसी में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे नेगेटिवली चार्ज जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन यूज़ किया है क्लोरीन भी क्या है नेगेटिव चार्ज तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाई होती है नेगेटिव चार्ज से ठीक है थीके? उसके बाद ये डिसाइड नहीं करते जोमेट्री में क्यों क्योंकि इनका कोई फिक्स पोजिशन नहीं है ये कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं हम इनको इनकी फिक्स पोजिशन ना होने की वजह से ये शेप डिसाइड नहीं करते हैं लास्ट पॉइंट इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉटेड लाइन जैसे कि मैंने यहाँ पे सी के लिए शो किया हुआ है ठीक तो है बच्चों तो ये है प्राइमरी वैलेंसी के बारे में तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट दी सेकेंडरी वैलेंसी ठीक है बच्चों तो देखिए जब हम सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं सीधा इस लीगन्स के बारे में जो मेटल से अटैच्ड है ठीक है ये जो लीगेंड मेटल से अटैच्ड है इन लीगन्स के बारे में हम बात करते हैं ठीक है थीके? तो एक बॉन्ड तो ये डॉटेड वाले हो गए और एक ये सॉलिड बॉन्ड तो हम सॉलिड बॉन्ड के बारे में बात करें सो लेट्स सी अबाउट दी सेकेंडरी वैलेंसी तो देखिए बच्चों फर्स्ट पॉइंट जब ये आयनाइजेबल थे तो मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो कुछ भी होता है लाइक मेटल एंड लीगेंट्स ये कभी भी आयनाइज नहीं होते हैं तो लीगेंट कभी भी नहीं टूटेंगे अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व भी करते हैं तो आयनाइज नहीं होते इसका मतलब ये कैसे होते हैं दीज आर नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी ये आयनाइज नहीं होते हैं ठीक है उसके बाद आप इसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बच्चों रिप्रेजेंट कर रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने नंबर ऑफ लीगेंट्स हम उसकी बात कर रहे हैं ठीक है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतनी ही हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये डायरेक्शनल नहीं थे ठीक है हमने ही पता कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमें नहीं पता है ठीक है लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की तो ये प्रॉपर डायरेक्शनल है हमको पता है लीगेंट अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयर कर रहा है मेटल के साथ में तो ये क्या है ये है डायरेक्शनल बॉन्ड ठीक है नेक्स्ट पॉइंट ये जो है सेकेंडरी वैलेंसी ये नेगेटिव से भी सेटिस्फाई हो सकती है और न्यूट्रल से भी और पॉजिटिव चार्ज से तो ये सेटिस्फाई हो सकती है बाय पॉजिटिव नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल ठीक है मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लीगेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी मतलब मेटल से जो बॉन्डेड है डायरेक्टली जो लीगेंस बॉन्डेड है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं जबकि हमने देखा था प्राइमरी वैलेंसी में सिर्फ नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं उसके बाद देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं अबाउट दी शेप तो ये शेप को डिसाइड नहीं करते हैं ये डिसाइड करते हैं शेप को ठीक है अगर चार लिगेंड अटैच है तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं स्क्वायर प्लेनर भी हो सकते हैं अगर सिक्स है तो वो ऑक्ट्राहाइड्रल हो सकते हैं कहने का मतलब ये नंबर ऑफ लीगेंट शेप या जोमेट्री को डिसाइड करते हैं ठीक है और लास्ट बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सॉलिड लाइन आप इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चों ये हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया है और इनका मीनिंग भी समझ लिया है ठीक है तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नर थ्योरी बहुत बार पूछी गई और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं तो चलो इसी थ्योरी को थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं अभी हमने सारे पॉस्टुलेट्स तो देख ही लिए हैं अब इसको हम इप, इनका इम्प्लीमेंट uh, करके देखते हैं इनका एप्लीकेटिव पार्ट देखते हैं सो लेट्स सी दी एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ दी वर्नर थ्योरी नाउ स्टूडेंट लेट्स सी एग्जाम्पल सपोज हमारे पास में एग्जाम्पल है कॉबाल्ट इज अटैच टू एन एस थ्री सिक्स लीगेंस और बाहर है हमारे पास काउंटर आयन सी एल जो कितना है टू है ठीक है अब बच्चों इसमें हम प्राइमरी वैलेंसी पता कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी पता कर रहे हैं देखो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है नेगेटिव चार्ज आयंस ठीक है नेगेटिव चार्ज आयंस और जो आयनाइजेबल है तो यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज है आयंस टू हैं और ये आयनाइजेबल भी हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी प्लस टू की ठीक है कितनी प्राइमरी वैलेंसी है प्लस टू की या फिर सिंपल आप टू भी लिख सकते हैं ठीक है अगर हम इसी कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी किसको बताता है सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो बताता है अबाउट दी नंबर ऑफ लीगेंट विच आर अटैच टू सेंट्रल मेटल इन शॉर्ट हम बताते हैं सेकेंडरी वैलेंसी में कॉर्डिनेशन नंबर तो कितना कॉर्डिनेशन नंबर है सिक्स तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों सिक्स ठीक है तो देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को ठीक है तो अगर हम इसको याद सीधा ये बता सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी टू है या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये प्लस टू है क्योंकि जब हम इसका निकालेंगे कोऑर्डिनेशन सॉरी इसका जब हम ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो वो प्लस टू हमें मिलेगा अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट है एन एच थ्री सिक्स और बाहर है हमारे पास में सी एल थ्री तो अब इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी कितना आयनाइजेबल आयंस है यहाँ पे थ्री है और सब तीनों के तीनों नेगेटिव है तो यहाँ पे थ्री आयनाइजेबल आयंस है अगर इसमें ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो क्या निकलेगा बच्चों प्लस थ्री तो ये हमारी हो गई प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी अगेन यहाँ पे कितने लीगेंस है छः तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है सिक्स तो सेकेंडरी वैलेंसी है हमारे पास में सिक्स ठीक है बच्चों तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी तो बच्चों हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन ठीक है इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है वो हमें कौन बताता है प्राइमरी वैलेंसी बताता है या फिर आप क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो क्या है प्राइमरी वैलेंसी या जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है ठीक है आप दोनों ही वाइज वर्सा केस ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो देखो बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं देखिए सपोज मेरे पास में है पी टी सी एल फोर डॉट सिक्स एन एच थ्री एक और मेरे पास में है सपोज मान लीजिए पी टी सी एल फो डॉट फाइव एन एच थ्री एक और मैं कंपाउंड ले रही हूँ पी टी सी एल फो डॉट फोर एन एच थ्री आई एम टेकिंग वन मोर पी टी सी एल and डॉट थ्री एन एच थ्री एंड द लास्ट वन पी टी सी एल डॉट टू एन एच थ्री ठीक है बच्चों ये मेरे पास में एक कंपाउंड है इसका जब मैं फॉर्मूला बनाती हूँ जब इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाती हूँ तो देखिए कैसे बनेगा आपको क्या करना है बच्चों सेंट्रल मेटल तो लेना ही उसमें कोई कन्फ्यूशन ही कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे चार तो सी एल है और यहाँ पे सिक्स क्या है अमोनिया के लिगेंट्स हैं ठीक है पार्टिकल्स हैं तो देखिए बच्चों जब आपको इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला बनाना हो ठीक है कॉम्प्लेक्स का जब आप फॉर्मूला बनाते हैं तो देखो मेटल तो हमें पता है पी टी है तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं हमें अब यहाँ पे फोर हमें सी एल भी दिख रहा है सिक्स हमें एन एस थ्री भी दिख रहा है और इतने सारे लीगेंड एक सारे टेस्ट तो हो नहीं सकते तो हमें क्या करना है बच्चों हमें पहले कंसीडर करना है न्यूट्रल लीगेंड को ठीक है तो आप जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो पहले लिखेंगे आप सपोज सेंट्रल मेटल उसके बाद में जब आप लीगेंट्स को लेंगे तो सबसे पहले जब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है या इससे जो लीगेंट अटैच्ड है वो क्या लेंगे आप न्यूट्रल वाले क्या लेंगे आप न्यूट्रल लीगेंस को पहले आप लेंगे ठीक है अब यहाँ पे कितने न्यूट्रल है सिक्स न्यूट्र सिक्स तो सबको साथ में ले लीजिए अब सिक्स लिगेंस हो गए तो ब्रैकेट क्लोज मैक्सिमम को सिक्स ही लेना उसके बाद लेना ही नहीं हमें ठीक है उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है फोर तो अब ये ये जो है हमारे पास काउंटर आयन की तरह वर्क करेंगे ठीक है बच्चों तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं अभी हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी है और वर्नर थ्योरी में हमने देखा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होती है बट है जब हम सेकेंडरी वैलेंसी बना रहे हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ लीगेंस जब हम सेंट्रल मेटल से अटैच कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जब लीगेंस हम अटैच कर रहे हैं तो हम कौन से लेंगे न्यूट्रल लेंगे ठीक है नेगेटिव को हम सबसे लास्ट में रखेंगे पहले न्यूट्रल लेंगे फिर पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव को सबसे लास्ट के लिए रखेंगे क्यों क्योंकि नेगेटिव वाले क्या होते हैं हमने वर्नर थ्योरी में पढ़ा है कि जो नेगेटिव आयंस है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल तो हम कोशिश करेंगे कि नेगेटिव को लीस्ट प्रायोरिटी दें ठीक है है अनटिल अनलेस नेसेसरी नहीं उसको हम ब्रैकेट के अंदर ना ले तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है अब देख जब हम बना रहे हैं, तो पीटी ठीक है पांच एम है तो हम तो पांच एम का तो कर ही देते हैं हम यहाँ पे अब हमें एक और चाहिए तो अब हम एक सीएल ले लेते हैं ठीक है क्योंकि हमें सिक्स करना है जो पीटी है वो सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है तो हमने सीएल एक ले लिया तो अब कितने सीएल बच रहे हैं थ्री तो जो तीन सी है वो बाहर रहेंगे इसी तरीके से बापिस आपने पी टी ले लिया है अमोनिया फोर है तो फोर तो ले ही लीजिए ठीक है अब चार लिगेंट हो गए दो और चाहिए तो आप यहाँ से टू सी ले लीजिए सी टू और अब सी टू सी टू और बच रहे हैं तो वो हो जाएंगे आपके पास में बाहर ठीक है इसी तरीके से इसको भी लिख देते हैं पी कितने अमोनिया हमारे पास में थ्री तो एन एच तो ले ही ले लेते हैं हम और थ्री सी यहाँ से ले लेते हैं तो एक सी एल और बचेगा जो आ जाएगा बाहर ठीक है बच्चों इसी तरीके से लास्ट में लिख रही हूं पीटी ठीक है कितने अमोनिया यहाँ पे टू तो टू तो ले लीजिए फिर बाद में फोर जो सी एल है वो सब ले लीजिए बाहर कोई भी काउंटर आयन आपके पास में नहीं बच रहा है ठीक है तो बच्चों इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे आई रिपीट क्या प्रायोरिटी किसको देंगे मेटल के साथ डायरेक्ट अटैच करने के लिए प्रायोरिटी देंगे पहले न्यूट्रल को उसके बाद में पॉजिटिव को और सबसे लास्ट में आप नेगेटिव वाले को प्रिफ्रेंस देंगे ठीक है तो इस तरीके से आप पहले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे अब बच्चों जब आपको इस फॉर्मूले से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना आ गया है ठीक है जब आपको मॉडर्न फॉर्मूला बनाना आ गया है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का तो इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं चलो तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं इसी सेम एग्जाम्पल्स के साथ में तो देखिए बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स ठीक है कॉम्प्लेक्स इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है तो बच्चों आपको बाहर वाला देखना है बाहर चार सी एल है फोर सी एल है तो फोर माइनस का चार्ज होगा तो कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज जाएगा प्लस फोर का जो बाहर काउंटर आयन ना उसका जस्ट ऑपोजिट चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे होता है ठीक है और जितने बार काउंटर आयन है उतना ही हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक है पर आपको कौन से कंसीडर करने हैं नेगेटिव वाले कंसीडर करने ठीक है थीके? अब यहाँ पे देख लीजिए थ्री सी एल है ठीक है तो इसका मतलब थ्री नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर कितना होगा थ्री पॉजिटिव चार्ज तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है थ्री पॉजिटिव अब देख लीजिए इस पे यहाँ पे कितने सी एल है टू सी एल हैं तो इस पे कितना पॉजिटिव होगा टू पॉजिटिव होगा ठीक है यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन पॉजिटिव होगा यहाँ पे कोई भी कॉम्प यहाँ पे कोई भी काउंटर आए नहीं है बच्चों जब कोई भी काउंटर आए नहीं होगा इसका मतलब जब यहाँ पे कोई नेगेटिव है भी नहीं तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होगा मतलब ये इस पर चार्ज क्या है ज़ीरो ठीक है तो ये तो हमने पढ़ ली एक बात अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेकेंडरी वैलेंसी इसी के अंदर हम सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं देखिए यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है सिक्स तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी सिक्स यहाँ पे कितना है देख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव और एक सी एल है तो सिक्स यहाँ पे कितने हैं फोर एम इन टू सी एल तो वापस सिक्स थ्री अमीन इन थ्री सी एल तो वापस हो गया सिक्स टू अमीन इन फोर सी एल तो वापस हो गया सिक्स तो ये हमारे पास में हो गई सेकेंडरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में हम क्या शो करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं ठीक है ठीके? तो अब हम देखते हैं अबाउट दी प्राइमरी वैलेंसी अब बच्चों जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं तो हम प्राइमरी वैलेंसी में क्या दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वी ट अबाउट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या देखना है जब आप प्राइमरी वेलेंसी की बात कर रहे हैं तो आप ऑक्सीडन स्टेट की बात कर रहे हैं तो उस केस में देखिए अब जब हमारे पास में ये जो पी टी है आई एम टेकिंग अनदर कलर पैन पी टी को हमने एक्स मान लिया ठीक है कितने आई मीन है सिक्स है हर एक पे जीरो चार्ज है प्लस कितने सी एल है फोर और हर सी एल पे माइनस वन चार्ज तो इक्वल्स टू जीरो तो एक्स इसके बराबर हो जाएगा प्लस फोर की क्योंकि जब माइनस फोर उस तरफ जाएगा तो ये प्लस फोर हो जाएगा ठीक है बच्चों तो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई फोर इसी तरीके से बच्चों जब इसका आप कोऑर्डिनेशन सॉरी इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब भी क्या निकलेगा प्लस फोर ही निकलेगा और इसी तरीके से बाकी सारे के लिए जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो सबके केस में क्या निकलेगा प्लस फोर ही निकलेगा तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है हमारे पास में यहाँ पे प्लस फोर ठीक है अब बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बैठता है अगर बच्चों आपको इसमें कोई डाउट है ना यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ठीक है ये प्लस फोर कैसे आया किसी का भी आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ठीक है अब देखिए हम लास्ट देख रहे हैं नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ आयंस अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा और पूछा है कि नंबर ऑफ आयंस क्या है तो देखिए बहुत सिंपल है आपको बाहर देखना है कितना काउंटर आयन है प्लस वन करना है आपको क्योंकि अगर ये हमारे पास में फोर सी एल आयन्स हैं फोर सी एल माइनस आयन से तो एक ये कॉम्प्लेक्स का आयन कंसिडर होगा तो जितने बाहर आयन है है ना उसका प्लस वन करना है आपको देखो ये फोर आयन है बाहर तो प्लस वन कर दीजिए तो नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे फाइव यहाँ पे कितने आयन से बाहर थ्री तो प्लस वन कर दीजिए फोर यहाँ कितने आयन से बाहर टू तो प्लस वन कर दीजिए थ्री यहाँ कितने आयंस है वन प्लस वन कर दीजिए टू यहाँ कितने आयंस पे कोई भी आयन नहीं है तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा जीरो क्योंकि बाहर कुछ नहीं है तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा कोई चार्ज नहीं होगा तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे ठीक है जीरो प्लस वन नहीं करना है आपको ठीक है समझ में आ गया तो देखो बच्चों जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे जैसे नंबर्स ऑफ आयंस क्या होते जा रहे हैं डिक्रीज होते जा रहे हैं तो कंडक्टिविटी अगर आपसे पूछते हैं तो कंडक्टिविटी भी इन कॉम्प्लेक्स uh, में डाउन द ग्रुप जब हम इन कॉम्प्लेक्स में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी कम होती जा रही क्यों क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम होते जा रहे हैं ठीक है बच्चों तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है चार्ज सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी एंड नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ आयंस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि इसमें कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी ट्रेंड बताइए तो आप इसको ईजिली बता सकते हैं ठीक है जब आपको ये सब निकालना आता है तब सो स्टूडेंट्स लेट सी दी नेक्स्ट पॉइंट इन देशम टॉपिक अब बच्चों जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस की इसी वर्ण थ्योरी के बेस पे वो ये है कि सपोज आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम जिसके साथ सिक्स एमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं और काउंटर आयन उसके पास सी एल जो थ्री इन नंबर है ठीक है बच्चों तो इसमें ये पूछते हैं कि सबसे पहले अगर इस कॉम्प्लेक्स को आप ए जी एनओ थ्री के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन तो ये तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास ए जी है और यहाँ पे हमारे पास में सी एल ए जी होता है प्लस का और सी एल होता है माइनस का तो ए जी और सी एल क्या बनाएगा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा ए जी सी एल और ऐसा हमने क्यों पता किया बच्चों देखो बहुत सिंपल है क्योंकि काउंटर आयन जो है वो ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा मैंने कहा है आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है और लीगेंट है वो रिएक्ट नहीं करते वो ब्रेक नहीं होते हैं ठीक है सॉरी वो ब्रेक नहीं होता है ठीक है तो आयनाइज़ कौन होता है ये सी एल आयनाइज़ होगा तो ये सी एल जब टूटेगा बाहर निकलेगा तो इस ये ए जी प्लस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा ए जी सी एल ठीक है तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा वो समझ में आ गया अब पूछते हैं कितना मोल बनेगा कितना मोल ए जी सी एल बनेगा तो देखो जितने सी एल हैं उतना ही मोल बनेगा अगर यहाँ पे थ्री सी एल है तो यहाँ पे थ्री मोल ए जी सी एल बनेगा अगर यहाँ पे टू होता तो टू मोल ए जी सी एल बनता यहाँ अगर वन होता तो वन मोल ए जी सी एल बनता अगर यहाँ पे कोई भी सी एल नहीं होता तो ए जी सी एल ही नहीं बनता ठीक है बच्चों तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं